देहरादून से खबर है, 28 फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। उपनल में सभी के लिए नौकरी के द्वार खुले, पूर्व सैनिकों के परिजनों को मिलेगी प्राथमिकता। मेडिकल सोशल वर्कर्स सेवा नियमावली को मंजूरी, कृषि एवं उद्यान विभाग का शासन स्तर पर हुआ एकीकरण। उत्तराखंड सरकार मोबाइल कंपनियों को देगी पैसे, सीमाएं क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। 40 लाख रुपए मोबाइल कंपनियों को देगी सरकार। एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना। ये देखिए, उपनल में सभी के लिए नौकरी के द्वार खुले हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में जिन फैसलों पर लगी मोहर वो देख लीजिए। पूर्व सैनिकों के परिजनों को प्राथमिकता मिलेगी। मेडिकल सोशल वर्कर सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है इस कैबिनेट बैठक में। कृषि एवं उद्यान विभाग का शासन स्तर पर हुआ एकीकरण। आज टोटल कैबिनेट में 30 प्रस्ताव आए हैं और इन 30 प्रस्ताव में एक सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, एक वापस हुआ है, 28 पर निर्णय हुआ है। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति को आज श्रद्धांजलि दी गई है कैबिनेट के द्वारा। तो इस प्रकार से आबकारी विभाग है, सिंचाई विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है और संस्कृत शिक्षा विभाग है, इत्यादि विभागों से संबंधित प्रस्ताव आए। अजीत कांबोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अजीत, एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में लिए गए तमाम फैसलों को अगर देखा जाए तो प्रदेश हित में किस तरीके से देखें? बिल्कुल पंकज, जिस तरह से दो बैठकें स्थगित होने के बाद आज ये तीसरी कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। कोरोना काल में कैबिनेट बैठकें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि सरकार जनहित के साथ साथ आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चाएं करती हैं वो इसमें काफी महत्वपूर्ण होती है। और आज की अगर कैबिनेट बैठक की बात की जाए तो 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें से 28 को इसमें मंजूरी दी गई है। सरकार की पूरी कोशिश है कि प्रदेश की आम जनता को लाभ मिले, साथ ही साथ सरकार के राजस्व में कैसे इजाफा हो सकता है, तो तमाम ऐसे विषयों को लेकर कई विभागों से संबंधित प्रस्ताव आए, जिसमें तमाम बैठकें की गई और उसके बाद आज कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बड़ी खबर यह है कि उपनल में अभी तक जो देखने में आता था कि केवल पूर्व सैनिकों के परिजनों को लेकर ही उपनल में भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती थी, अब वो पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए खोल दी गई है। कोई भी उत्तराखंड वासी उसमें अपना आवेदन कर सकता है और उसको उपनल के माध्यम से नौकरी दी जा सकती है तमाम नियमों को मानते हुए। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिहाज से कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए उपनल के माध्यम से रोजगार की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई है। इसके अलावा कृषि उद्यान, कृषि शिक्षा और रेशम विभाग का एकीकरण करते हुए शासन स्तर पर इसके एकीकरण को मंजूरी दे दी गई है। अब जो इसका एकीकरण की प्रक्रिया होगी वो नीचे के स्तर पर होगी कि कैसे नीचे एकीकरण किया जा सकता है। तो ये बड़े फैसले थे जिसको लेकर आज कैबिनेट बैठक ने अपनी मंजूरी दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस जानकारी के लिए।